हाई व्यूवर्स, दिस इज मेरी बाहा इमरान एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज बहुत ही ब्यूटीफुल एक्ट्रेस हमारे साथ मौजूद है, इंडिया से हमें ज्वाइन किया है, प्राची अधिकारी, प्राची सिंह अधिकारी। मैं इनको क्या कहूँ, इनकी बहुत से मतलब इनको नाम है, और आज हम जानेंगे, बहुत नेशनलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, और बहुत ज़्यादा वो कहते हैं हर फन मौला यहाँ पे कहा जाता है, और बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काम कर रही हैं, और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो आज हम उनसे जानने वाले हैं इंडिया के सरकमस्टांसिस के हवाले से, उनके जो वहां पर मुस्लिम्स हैं उस हवाले से बात करेंगे। तो मैम, आपका बहुत शुक्रिया हमारे व्यूअर्स के लिए आपने टाइम निकाला। थैंक यू। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैम, वालेकुम अस्सलाम, नमस्कार। और मैं सबसे पहले आपसे सवाल ये करूंगी, मैम माशाल्लाह आप बहुत प्यारी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि किस किस प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रही हैं, और लाइक क्या आप आजकल आपका डेजिग्नेशंस क्या क्या हैं और क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं अपने आप को एक बहुत प्राउड भारतीय मानती हूँ। और सोचते हैं कि कहते हैं कि हम बहुत रिलीजियस है, तो उनको लगता है कि रिलीजियस ऐसा है कि वो दूसरों का बुरा चाहता है। वो सब नहीं, हम अपना अच्छा चाहते हैं, अपने साथ साथ जो वसुदेव कुटुंबकम यानी कि पूरा विश्व हमारा परिवार है उसको लेकर चलना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो लोग हैं समूचे विश्व में यानी कि जो जितने भी वर्ल्ड में या यूनिवर्स में लोग हैं वो समझें कि आप उनके जो फोर फादर्स हैं उनसे उन्हें नफरत नहीं करनी है। अपने अपने रिलीजन्स को लेकर या अपनी अपनी सोच को लेकर जहनियत को लेकर वो चले, लेकिन दूसरे का एग्जिस्टेंस को भी एक्सेप्ट करें। अब ये नहीं कि मैं हूं मेरे सिवा कुछ नहीं। आपने कुछ लोग देखे होंगे जो चाहते हैं कि हम हैं, बस हम ही मानो, हमें नहीं मानोगे तो फिर खत्म कर दिए जाओगे। वो सोच नहीं हो सकती। अगर आपको कोई पसंद है, कुछ चीज पसंद है और मुझे कुछ पसंद है, तो हमें पैरलरी एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि नहीं, तो उनकी वो एक्सट्रीमिज्म से मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर मुझे लगता है कि अगर तुम एक्सट्रीमिस्ट हो तो फिर ऐसे तो दूसरा भी हो सकता है, तुम जिद्दी तो हम भी जिद्दी। खैर, मैंने 23 साउथ की मूवीज में काम करा है जिसमें से हिंदी में भी डब होती है। हिंदी में मेरी एक जख्मों का हिसाब भी डब है जो कि हिंदी में है। और लैंग्वेज इज जस्ट अ यू नो लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम। ये लैंग्वेज तो एक सिर्फ मीडियम है, बाकी तो लोग सभी जो आर्टिस्ट होता है वो जबान का मतलब जो लैंग्वेज है उसका मोहताज नहीं होता। वो कई लैंग्वेजेस बोल सकता है या डबिंग हो जाती है। कोई भी आर्टिस्ट, मैं कहीं भी काम कर सकती हूँ, बाउंड्रीज का या किसी चीज का मोहताज नहीं होता। वही मेरे साथ भी है। तो तमिल, तेलुगु, मलयालम में मैंने काम किया है, इवन गुजराती में मैंने एक प्रमोशन किया है। तो उसमें भी वो तो मैंने खैर खुद ही बोला था, हूँ छू प्राची अधिकारी, एक्ट्रेस एंड सोशल एक्टिविस्ट। वो एक न्यूज पोर्टल के लिए था। और बांग्ला मैं समझ लेती हूँ और पंजाबी तो वैसे ही हम लोग समझ लेते हैं। और क्योंकि मैं उत्तराखंड से आती हूँ, हिमालय के पास है, तो हिमालय के फीचर्स जो होते हैं तीखे तीखे होते हैं, पंजाबी सरदार ऐसे फीचर्स लगते हैं हमारे। तो कई बार लोग धोखा खा जाते हैं। नेपाल में जाती हूँ तो नेपाल के लोग नेपाली समझते हैं, महाराष्ट्र में जाती हूँ तो मराठी समझते हैं, बंगाल में जाती हूँ तो अमिशक्ति कथक और भी ऐसे करके वो लोग समझते हैं कि मैं बंगाली हूँ। तो मुझे हर जगह का प्यार मिलता है और हर जगह मैं घुल मिल जाती हूँ और ठीक ठाक उर्दू भी बोल लेती हूँ। मेरा तलफ्फुज इतना बुरा नहीं है, तो लोग यहाँ की जाती हूँ वहां की हो जाती हूँ। हाँ, लड़ाकू थोड़ा सा मैं हूँ। और नए प्रोजेक्ट्स में अगर बात करें तो नए प्रोजेक्ट्स में अगर बात करें तो कुछ ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं, जब वो काम कर रहे होते हैं तो वो नाम डिसाइड नहीं करते, प्रोडक्शन नंबर वन करके वो मूवी स्टार्ट करते हैं। बाद में वो टाइटल के लिए आपस में प्रोडक्शंस लड़ते हैं, फिर बाद में टाइटल हो भी जाता है। तो मेरे पास अगर कुछ अच्छा काम आता है, क्योंकि मैं इंडस्ट्री के बाहर की हूँ और कुछ मेरे अपनी अपनी एक लिमिटेशंस हैं। इंडस्ट्री काफी ओपन है, मतलब आप मुझे कपड़े कुछ भी पहना सकते हैं, बट कुछ भी इन द सेंस मंदिर की घंटी या कोई वैसा कुछ हो उसमें मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहन सकती हूँ। वहां पर मुझे जो पहनना है वही पहनूंगी। वो सीन के रिलेशन में होना चाहिए, सीन से रिलेट करना चाहिए। तो ये मेरा काम अभी चल रहा है। और थोड़ा रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ी हुई हूँ, हिंदू महासभा की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, हिंदू संसद अच्छा, की भी हूँ।
बिल्कुल, आप काफी काम कर रही हैं, आपने कहा कि मैं रिलीजियस एक्टिविटीज में भी काफी जो है काम कर रही हूँ, तो आज मैं मतलब मैं पाकिस्तान से आपका इंटरव्यू कर रही हूँ, तो सबसे पहले एक पाकिस्तान में जो इंटरव्यू करता है उसका क्वेश्चन सबसे पहले यही होता है कि किसी भी भारतीय से अगर बात हो, या आप तो बड़ा काम कर रही हैं और बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, मैं काफी आपकी जो मूवीज वगैरह भी देखती रहती हूँ और जो सॉन्ग्स आप मतलब करती हैं वो भी मैं देखती रहती हूँ, तो मैम ये बताइएगा कि जो हिंदुस्तान में कल्चर चल रहा है, कहा जाता है, कहा ये जाता है, यहाँ पर बड़ी मेरे व्यूवर्स हैं, मैंने इससे बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं, मुझे सारे यही क्रिटिसाइज करते हैं, नीचे कमेंट्स में आज मैं पढ़ी थी कि आप हमेशा इंडियन मुस्लिम्स की बात करती हैं, और यहाँ पर सबसे पहली बात गर्दिश की जाती है कि इंडिया में मुसलमानों के साथ ये हो गया वो हो गया, तो आप वहां पर एक्ट्रेस हैं, बहुत बोल्ड काम कर रही हैं, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि इंडियन मुसलमानों के साथ क्या मतलब वो किस पोजीशन में रह रहे हैं, जरा हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिएगा। प्रभा, एक बात बताओ, मैं एक बात पूछूंगी, ठीक है? जी, आप मेरी बिल्कुल बहन सर की हैं, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ कि आपके वहां अगर कोई रेफ्यूजी आए तो क्या उसे फ्री का अनाज, फ्री का चावल, फ्री का सब कुछ मिल सकता है? रसक रसक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिस्क रिस्क बोलते, क्या बोलते हैं कि रिस्क की रिस्क बेइज्जती मत करो, हाँ रिस्क। तो आप ये बताओ, आपको फ्री का मिलता है बोरे भर भर के? यहाँ पर जो बांग्लादेशी आए हुए हैं ना, 9 करोड़, जिनको कम कहा जाता है, वो फ्री में खा रहे हैं उसको। अमानतुल्ला और ताहिर हुसैन जैसे लोग, जिन्होंने आपको पता है कुछ फसाद करे थे, जिन्होंने एक्सेप्ट करा है ऑन पेपर। देखो, सच को सच दिखाओ। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है मैं बताती हूँ, जब जमाई जैसे, शोएब जमाई जैसे लोग ऑनलाइन बैठ के झूठ का एडवोकेसी करते, जब अगर मैं किसी गलत चीज को, ठीक है कोई तुम्हारा अपना है उसको चलो तुमने, लेकिन केवल कोई मुसलमान है इसलिए तुम झूठ बोल के बचाओ, और जब नंगी आंखों से वो चीज दिखाई दे रही है, कैमरे में है, जब एक आफ्ताब खुद कह रहा है मैंने श्रद्धा को एक करा है, आप सोचिए ये किस तरह की जहनियत के बच्चे ये लोग बना रहे हैं। आप अपना काम करें, मैं अपना काम, मुसलमान इतने रिच है यहाँ पर, मैं तुम्हें क्या बताऊं, इतना पैसा तो जो वहां का, जो पाकिस्तान का एक मिडिल क्लास बंदा होगा ना, वो हमारे वहां गरीब मुसलमान माना जाता है, और यहाँ चार चार घर होते हैं। मेरे इधर पे मुस्लिम का घर है, मेरे से 10 मीटर पे एक वो है, मस्जिद है, ऊपर से वो बातें भी कैसे करते हैं आपको मैं क्या बताऊं। और ऐसा नहीं है कि सब बुरे ही है मेरे लिए, नहीं, मेरे को तो ये भी बोलते कुछ, जब मैं जब जाती हूँ उत्तराखंड वगैरह, तो बोलते हैं बेटा क्यों जहर उगलती है, कहते हैं बेटा मैं बोलती हूँ अंकल, हाँ मैं बोलती हूँ अंकल सच को सच, तो कम बोला करना इतना क्यों, तो मैं सच बोल देती, तो वो हमारे वहां नहीं मानते। लेकिन जो ये कुछ बाहर से आ गए हैं ना, ये इनकी सोच क्या है, बहुत ही गंदी है। हमारे वहां जो पहले थे वो सच झूठ को झूठ, मेरे मेरे फादर हैं वो पहले रोज चिकन खाते थे, और एक सूखा एक गीला ऐसे करके खाते थे, ठीक है? लेकिन बाद में उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया। तो उनके अगर दोस्त के वहां जा रहे, क्योंकि वो समाजवादी लीडर है, वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, प्रदेश अध्यक्ष मतलब स्टेट के वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं उस एरिया के, समाजवादी की, जो कि मुस्लिमों की पार्टी मानी जाती है, मुल्ला मुलायम जो कहते हैं। मेरे फादर ओपनली कहते हैं, शकील मैं तेरे वहां आ रहा हूँ, तुम्हारे वहां आ रहा हूँ मैं, पर वो शमा वाले का नहीं खाऊंगा, वो भैंस की चर्बी मिला देगा, मेरा धर्म भ्रष्ट कर देगा, यानी कि मेरा लाइक मेरा वो हो जाएगा भ्रष्ट। वो कहे अरे अरे भाई साहब आओ आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके लिए मोती महल से, यानी कि सरदार वाले के वहां से मंगा दूंगा। तो इतनी नॉर्मल बातचीत, इसमें कोई लड़ाई झगड़े नहीं। अगर आज आप बोलो किसी से तो वो विक्टिम कार्ड खेल के लड़ मरेगा। अरे मैं अगर अगर कोई कह रहा है, आप कह रहे हैं कि नहीं हमें जो कलमे पढ़ने वाला मुस्लिम ही चाहिए, लेकिन एक जैन आदमी जो मुंह में कपड़ा रखता है, जो एक मच्छर तक नहीं मारता, अगर वो ये कहता है कि मुझे वेजिटेरियन जैन कुक चाहिए तो, या ब्राह्मण चाहिए, तो आप कहते हो देखो आपका, जबकि मुसलमान का नाम नहीं है, आप कहते देखिए मुसलमानों के हवाले से क्या कर रहे, तो इससे क्या तलखी नहीं आएगी? अगर कोई नेता, कोई पॉलिटिशियन, कोई सियासतदान केवल ये कहे कि मैं रबाह की जो रबाह की कौम है उसकी ही मदद करूंगा, मुझे उसके ही वोट चाहिए, तो मेरे दिल में कहीं ना कहीं बैठेगा यार इसमें ऐसा क्या है। तो ये तलखी जो है ये आपको पॉलिटिशियंस भी कर देंगे। तो
मैंने ये चीज देखी कि कोई मुस्लिम इतना गरीब नहीं है, उससे गरीब तो हिंदूज भी हैं। और दूसरी चीज, ऐसा कोई गरीब नहीं है यहाँ पर। अगर मैं भी खूब बातें कर रही हूं, अगर कुछ भी हम कर दें, लेकिन अगर मेरे दरवाजे पर भी कोई आएगा तो हमारे हिंदुस्तान में जो एक हिंदू कल्चर है उसका दिल कैसा है कि मैं इसको रवा को 1 रुपया नहीं दूंगी, बाहर में जाए मेरे खिलाफ जकात करेगी, मेरे खिलाफ जिहाद करेगी, मेरे खिलाफ ही करेगी। लेकिन अच्छा खाना मांग रही थी क्या? हाँ खाना मांग रही थी। अच्छा दे दे इसको, अब बोला यहां मत आए दोबारा। तो ये हमारा दिल है, मुंह से बकवास खूब करते हैं लेकिन जब करने का आता है ना तो आप लगेगा कर दे, जाके पानी पिला दे उसको, ये पानी मत दो ना, अच्छा दो, आरो का दो, फिल्टर का दो, ऐसा मत दो, हाँ ऐसे के ना अपनी शक्ल मत दिखाए। तो ये हमारा नेचर है, तो मुंह से बोलते हैं कड़वा, लेकिन ऐसा इतना कड़वाहट किसी के भी नहीं है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, उन्होंने हमारी मदद करी होगी, हमने उनकी करी होगी। और दूसरा, जो आप इंटरनेट में देखते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जो इंटरनेट के अलावा इनका कोई काम नहीं होता। और मैं इनका पैटर्न देखती हूँ, जब अच्छी बातें हो रही होती है बीच में जाके ये लिखते हैं तुम्हारे वहां जातिवाद है। और लिखने वाला कोई और कौन होता है जिसको सेल में बिठाया होता है, जिसका यही काम होता है कि वो नफरतें बांटे, तो क्या होता है दूसरा कोई छोड़ेगा क्या? दूसरा भी तो लड़ेगा। और हम जैसे लड़ाकू हैं तो तुम अगर हमको गाली दोगे तो हम तुम्हें 10 गाली, हमसे प्यार से बात करोगे हम तुम्हें प्यार से क्या बोलते हो सांप की तरह लपेट देंगे, तुम्हें इतना प्यार दे देंगे। लेकिन अगर हमसे नफरत करोगे तो तुमने नफरत करी मुझसे, ठीक है। देख मैं बोलती हूँ, देखो मेरे करेक्टर के बारे में, और मेरे को ये कभी बदसूरत मत बोलना, दो चीज मुझे मत बोलना, उसके अलावा तो मेरी कितनी बुराई कर दो, मैं गंदी हूं, मैं बदतमीज हूं, मैं कमीनी हूं, मैं कुछ बोल दो, मुझे दो चीजें मत बोलना, क्योंकि दो चीजों के कारण ही मैंने अपने करियर को तबाह करा है कि मैं कभी किसी के साथ इतना इजी नहीं हुई हूँ, नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती हूँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, कुछ नहीं है। और मैं ओल्ड स्कूल हूँ कि मैं शादी के बाद, या जिसे आप निकाह कहते हैं, शादी के बाद प्यार में यकीन रखती हूँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ना मैं बॉयफ्रेंड वाली लड़की हूँ। तो मुझ पे तो झूठे इल्जाम लगाना मत, अगर किसी ने लगाए तो फिर देखना मैं तुम्हारे अम्मा बाबा तक पहुंचाऊंगी। तो ये मैं बोलती हूँ, इसलिए मुझे कोई भी ना छेड़े, ना मुझे छेड़ेंगे तो मैं फिर छोड़ूंगी नहीं। और दूसरा, आप जैसे बात कर रही हो, कोई इतना गरीब इतना दलितर नहीं है इधर पे, सब अच्छे खासे हैं। भिखारी के पास भी कोई भिखारी मरा था, उसके पास भी 50 लाख रुपए निकले थे। मैं जब यूट्यूब की वीडियो देखती हूँ कभी कभार पाकिस्तान की, मुझे हंसी आती है। इंडिया के ताल्लुक से बात करें तो बहुत मुसलमानों के साथ जाती है, मैं बोलती हूँ वाह, अभी इनको रुबिका पहाड़न एक लड़की है, उससे प्यार हुआ उस लड़के का, ठीक है, आज ही मैंने स्टोरी करी थी, प्यार हुआ, बाकायदा शादी हुई, उसने इस्लाम भी कबूल लिया, उसके बावजूद भी उसको 50 कर दिए। अब बताओ ये कौन सा प्यार है? और अगर कहीं से बार बार ये चीज हो रही है, आप कह रहे हैं मुझे जन्नत मिल जाएगी, कौन सी जन्नत है? तुम्हें तो वैसे ही सबाब मिल गया था, तुमने जो कन्वर्ट करा था उसको, अगर तुम उसके तुम्हारे मियाँ मुट्ठू के ताल्लुक से बात करो तो उसके हिसाब से तो तुम्हें वैसे ही सबाब मिल गया था, 6 बच्चे पैदा कर लेते, क्यों मारने की क्या जरूरत थी? अगर मैं ये बातें करती हूँ तो बुरी लग जाती है। तो मैम फिर मुस्लिम्स वहां के क्यों कहते हैं कि हमें राइट नहीं दिए जा रहे? कौन से राइट चाहिए, कौन से राइट, सियासतदान इनकी सुनते हैं, तुम जाके केस कर दो, तुम कहो जब तक वो जितेंद्र त्यागी जो कि वसीम रिजवी हैं, अच्छी से बात होती है, मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत ही बढ़िया व्यक्ति हैं, बहुत ही बढ़िया इंसान है, उर्दू में भी बोल देती हूँ, वो बेचारे जब तक वसीम रिजवी थे हाथ नहीं लगाया गया उनपे क्या क्या इल्जाम लगाए हैं जरा इंटरनेट पे देख लीजिएगा। जब तक जैसे जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बने, हवालात की हवा खा के आ गए हैं। अब आप बताइए, ऐसा नहीं है कि उनको बहुत परेशान करा होगा वहां पर, या कोई उनको गर्मी में हफ्ता रख दिया होगा, वो भी अच्छे से रहे हैं, लेकिन आप सोचिए तब तक किसी की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि विक्टिम कार्ड खेला जाता है। अगर अगर एक एक पुराना एक मामला है जिसमें आमिर खान भी टूट पड़ा था, एक तबरेज नाम का भी आदमी था, आप यकीन मानिए पुलिस रिकॉर्ड चेक करिएगा, उसके फादर और वो खानदानी पेशा था साइकिल चोरी का, लेकिन उसको आप वो चोरी करने आए। अच्छा चोरी करने अगर आप या मैं जाएंगे तो आप मुझसे पूछेंगे कि आप प्राची हैं कि आप परवीन हैं? नहीं पूछेंगी ना, या आप शाइस्ता हैं या सबा खान है, मैंने मेरा एक एलियस नेम है, मैं सबा खान बोलती हूँ, जब मैं पहले जब बचपन में पाकिस्तानियों से लड़ाई करने जाती थी याहू मैसेंजर में, तो मैं लिखती थी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, डाकू चुड़ैल मेरी आईडी थी, तो मैं उसमें लिखती थी
बाहरे करती है सजदा जिसका सबा नाम है उसका अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। तो मैं ऐसे लड़ाई करने जाती थी, जब मुझसे कोई लड़का बात करता था मैं खूब गालियां कराती थी, तो वाह आज मैंने पाकिस्तान को गाली दी थी। तो ऐसा होता था, ये बचपना होता है, हर इंसान करता है। अगर तुम्हें अगर किसी इंडियन से लड़ाई होगी तुम्हें भी सुकून मिलेगा अगर तुम जीती तो ये होता है, ये तो छोटी मोटी चीज है। तो इससे कोई दिल के रिश्ते खराब नहीं होते। तो आप जो कह रही हो कि उनको ऐसा करते हैं, आपने आपने हमारी मेरी बहुत अच्छी मित्र है, क्या नाम है उनका, मैं नाम भी भूल जाती, देखो क्या नाम है उनका बोल रही हूँ, अंबर जैदी, उनसे कभी बात करी है, उनको देखो। और आपने यास्मीन, क्या नाम है उनका भी कुछ, आपने कोई जम्मू कश्मीर से जो थी उनसे बात करी होगी, वो याना, याना नाम है शायद, बड़ी खूबसूरत नहीं है, हाँ जी जी। तो उनसे बात करी होगी, आपने कभी देखा है कौन परेशान है, मतलब कौन कौन परेशान है? ये वो लोग परेशान है जिनको यूएन तक चुगलखोरी करनी होती है, जैसे आंटियों वाले काम होते हैं ना, वो जैसे दो बाजियां बैठी होती हैं बड़ी बूढ़ी, वो बैठ के टमाटर और वो प्याज छिल रही होती हैं, हाय हमको ये नहीं मिला। यहाँ तक तो ऐसे लोग हैं, पीएम मोदी ने जो घर दिए हैं उसमें अधिकतर मुसलमान, और हम तो हमें तो ये भी सुनने में आया है कि जो रेफ्यूजी थे इन्होंने गलत पेपर्स बना के ले लिए हैं। वो तो अभी मालूम चला, एक भाई बहन जब आपस में लड़े तब मालूम चला कि 91 में पाकिस्तान से आई थी मोहतरमा और उनके भाई यहाँ रहते थे, उन्होंने ही शिकायत करी कि मेरी बहन जो है मेरी जायदाद पे कब्जा करना चाहती है और ये जो है ये पाकिस्तान से आई है और ये घुसपैठ करके रह रही है। भाई ने शिकायत करी, हमें तो मालूम ही नहीं था, उनके बेटे वहीं पैदा हुए थे, 6 बच्चों को या 4 बच्चों को लेकर आई थी वो, और जब जायदाद की बात हुई तो भाई बहन ने आपस में एक दूसरे का भांडा फोड़ा। तो ये देखिए, तो हम परेशान कर रहे हैं, खुद के लड़ते हैं, खुद करते हैं। एक हिंदू को इतना टाइम नहीं है, जो असली हिंदुस्तानी है उसको इतना टाइम नहीं है, भारत में जो पैदा हुआ है वो हिंदुस्तानी है, लेकिन आपको अपनी रूट्स की रिस्पेक्ट करनी होगी। आप अगर कहेंगे वंदे मातरम करने से मेरे को ये हो जाएगा, अच्छा वंदे मातरम बोल रहे, मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, 10 बार तो वंदे मातरम बोल दिया, अगर इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा शिर्क है तो बोले कैसे मुंह से, मैं ये नहीं बोलूंगा, ये लिख दो ना। अगर मैं किसी से मनहूस मानती हूँ तो मैं कहती हूँ ये अल्फाज, ये शब्द नहीं बोलूंगी। आप तो 10 बार कह रहे हो मैं जय हिंद, मैं जय श्री राम नहीं बोलूंगा, यानी जय श्री राम क्या है, हे राम मैं तुम्हारी जय, HAIL, मैं आपको आपको मतलब आपकी तारीफ करता हूं, इसमें कौन सा गुनाह हो गया है? ये तो पूरे मुझे लगता है मैम, आपने 2 क्वेश्चन यहाँ पे कहे कि मैं अगर कोई 200 कोठियां खरीदी है, सुनो सुनो, हमारे वहां से एक मुस्लिम काम करता है, उसने 200, ये 2000 विला का कंसेप्ट है, उसने 200 कोठियां खरीदी हैं, गरीब है। हाँ सऊदी अरेबिया में कुवैत में एक आंटी काम करती है, उन्होंने घर लिया है, वो गरीब है, इतनी चूड़ियां पहन रहती है सोने की, आ जाओ प्राची बेटा, कहती मैं आंटी मैं एक्ट्रेस हूं मेरे पास वक्त नहीं है, अरे आओ तो सही, बैठा के रख देती है अपने पास। तो ये वो तो नहीं, वो तो कोई गरीब नहीं है, गाड़ी लेकर नहीं आती, बस लेकर आती है रिश्तेदारों की। कौन गरीब है मेरे को दिखाओ ना, अब ऐसे गरीब तो बहुत है जो चाल में रह रहा। अच्छा मैं आपको एक बात बोलती हूँ, पाकिस्तान में आप जहां रहते होगे अगर गरीबों की बस्ती में जाओ उनके पास खाना नहीं होगा, इनको देखो जो गरीब है ना, ये जो झोपड़ी में रह रहे हैं, मैं कसम से कह रही हूँ इनको फ्री का राशन है, चीनी इनको मिलती है, जिस योगी आदित्यनाथ की भी बात ये करते हैं वहां शुगर मिलती है, अच्छा 2 किलो शुगर लगभग, 2 किलो चना मिलता है, आटा मिलता है, और ये झूठ बोलते हैं लॉकडाउन में, आप जाके देखिएगा हमारे पास खाना नहीं है, बार बार फोन करते हैं और इतना भरा रहता है डबल। अब बताइए लॉकडाउन में अच्छे लोगों को भी परेशानी हुई है और इनको सब कुछ मिल रहा है, लोग खाना बांटते हैं, मैं भी बांटती हूँ, ऐसा नहीं है हम लोग नहीं देखते किसको दे रहे, पर हाँ मैं बोलती जरूर हूँ मैं नहीं दूंगी। मैं आपने यहाँ पर 2 बातें की कि अगर मैं किसी हिंदुस्तानी से बात करूंगी तो, और मुझे मतलब मैं उनके उनको गाली दूंगी या किस तरह कुछ करूंगी तो मुझे खुशी होगी, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि मैं हमेशा अपने प्रोग्राम्स भी इसीलिए करती हूँ ताकि पॉजिटिविटी स्प्रेड हो। मेरे ख्याल से आज तक मेरी गाली ऐसी वाली नहीं, गाली नहीं, ये गाली का मतलब है नोक झोंक होती है ना, नोक झोंक, वो जो नोक झोंक होती है ना, आप मेरे, हो सकता है मेरे अल्फाज गलत हो, मैं उसके लिए माजरत चाहती हूँ, लेकिन लोग जो होती है ना कि हमारा इंडिया जीत गया, हमारा तुम्हारा पाकिस्तान हार गया करके जो करते हैं, वो बच्चों वाली बातें मैं कर रही हूँ, तो उसमें बड़े सुकून मिलता है, हाँ इंडिया जीत गया, बस ये हर किसी को होता है। अगर एक पाकिस्तानी के ताल्लुक से मैं देखूं, अगर मैं पाकिस्तान में पैदा होती तो मेरा मुल्क जीतता तो मुझे खुशी होती,
अगर मेरी किसी अमेरिकन से शादी हो और मेरे बच्चे अमेरिका में पैदा होंगे, तो एज अ जो मेरी सोच है वो ये है कि जरूर उनकी मोहब्बत रहे, इसीलिए हिंदुस्तानी कामयाब होते हैं, उसका एक रीजन है। अगर मेरी शादी अमेरिका में हुई है या सपोज करो पाकिस्तान में हुई है, मेरा जो बच्चा पैदा होगा तो मैं चाहूंगी उसकी पहली मोहब्बत जहां वो पैदा हो उससे हो, उसकी जो लॉयल्टी है। सेकंड, वो अपनी माँ के मुल्क से या उसके देश से भी थोड़ा लगाव रखे, उसका भी बुरा ना चाहे, लेकिन वो सेकंड नंबर होगा, क्योंकि मैं फर्स्ट नंबर हिंदुस्तानी हूँ, तो मेरे लिए मेरा जो कर्तव्य है यानी कि मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो प्यार है, वो मेरे भारत के लिए रहेगा, उसका जो रहे वहां के लिए रहे। तो ये हमारी सोच होती है, इसलिए जो है हम लोग कामयाब हो जाते हैं और बचत करते हैं, थोड़ा बचत सेविंग का भी थोड़ा है, करते हैं। मैम प्राची ये बताइएगा कि बीजेपी क्या बीजेपी पार्टी और संघ परिवार सेकुलर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप हिंदू राष्ट्र की? जी, पहली बात तो आजकल हिंदू उनसे बहुत नाराज हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुल्ला मोदी हो गए हैं, और ऐसा कभी कोई डिसअपॉइंटमेंट होता है, हम ये कहते हैं कि सबको एक साथ ट्रीट करो। मैं ये नहीं कहूंगी कि रबाहा को आप चॉकलेट पेस्ट्री दीजिए और मुझे कुछ मत दीजिए, मैं कहती हूँ जो देना है बराबर दीजिए, कोई कोई विक्टिम नहीं है। रबाहा अपनी मेहनत करे, वो अपनी किस्मत का खाए, मैं मेहनत करूं मेरी किस्मत, लेकिन अगर रबाहा खुद गरीब है तो उसके लिए हम टैक्स दे रहे हैं, वो आप दीजिए, लेकिन आप ये तो देखिए आप किसको दे रहे हैं। तो अभी जो संघ परिवार जो चाहता है, ये लोग चाहते हैं, इनका ज्यादा अपीजमेंट हो रहा है, बट हम जो हम हिंदू राष्ट्र देखते हैं उसका मतलब होता है इंक्लूडिंग पाकिस्तान या इंक्लूडिंग जो हमारा जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप क्या है, जो पूरा ये अफगानिस्तान है, इराक, सारे जो पूरा एक जम्बू द्वीप का पार्ट है, इसमें प्रत्येक बच्चा, जो भी एक बच्चा पैदा हुआ है वो हिंदू की उससे आया है, जड़ों से आया है, वो बाद में उसने अपने वो कल्चरली सेम है, उसने अपने पूजा का यानी कि वर्शिप का प्रेयर का तरीका बदला है। तो हम ये कहते हैं जैसे इंडोनेशिया है, वहां के मुस्लिम से हमें तकलीफ क्यों नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने अपने पूर्वज यानी कि फोर फादर आप कभी चेंज नहीं कर सकते, रबाहा आप कितना बदल जाओ कुछ कर दो, आपकी हकीकत वो जो पूर्वज है आपके कोई नहीं, वो हो ही नहीं सकते। और बात करें सऊदी अरेबिया वगैरह की कहानी मुल्ला मौलवी खूब सुना देंगे, लेकिन आप खुद देखिए वहां भी जो आइडल वर्शिपर थे। अगर मैं कहूं कि ये पर्टिकुलर चीज मुझे कंसंट्रेशन देती है, मुझे जैसे मैंने आपको देखा, मुझे ध्यान लगाने के लिए यानी कि अपने जहन को एक जगह बिठाने के लिए कोई किताब चाहिए, अब आपने कहा नहीं मेरा भी इसमें मन लगा हुआ है, मैं किताब पढ़ रही हूँ, मुझे ये किताब पढ़नी है, मैं ये सॉन्ग देख रही हूँ, तो उस चीज को लेकर तो हम ये कहते हैं कि आपने पूजा पद्धति बदली है, नफरत मत करो, आप अपने तरीके से जियो, हमें अपने तरीके से जीने दो। और तो जो पूरा एक जो एक पूरा जम्बू द्वीप है उसमें जितने भी लोग हैं वो हिंदुस्तानी हैं, तो हिंदुस्तान की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन जो दी जाती है हिंदू राष्ट्र की, वो दी जाती है जिसमें एक देश एक कानून हो, और कानून किसी के लिए विक्टिमाइजेशन ना हो। तुम चार शादी करने के लिए, वो औरत से तो पूछो उस पर क्या गुजरती है, जिन लड़कियों के माँ बाप रोते हैं कि मेरी बेटी को मैंने सब कुछ दिया है, कौन बनना चाहता है चौथी बीवी, तुम बता दो मुझे। आप कह रहे हैं कि पराठा चने बनाए, बातें तो कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, फिर ये आयतें बता देते हैं। मुझे बोलने का हक नहीं है, मैं जानती हूँ उस चीज में मुझे बोलने का हक नहीं है, लेकिन एक आदमी से तो पूछो ना, कोई औरत ये कोई महिला ये चाहेगी, कोई कोई वुमेन ये चाहेगी कि उसका पति उसके साथ दूसरा या तीसरा निकाह करे? क्यों नहीं, एक के साथ जी सकते आप। आजकल इतनी महंगाई है, अरे महंगाई नहीं भी हो तो भी चार चार क्यों कहोगे कि नहीं बढ़ने का हक नहीं। अरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखो सब बढ़ी, ये कहते हैं हम डिक्रीजिंग पॉपुलेशन हम हैं, रबाहा हम डिक्रीजिंग पॉपुलेशन है, 30 साल तक तो हम शादी नहीं कर रहे हैं और बच्चे करते हैं एक या दो, वो भी IVF से। और जो ये है ये कर रहे हैं, जो कहते हैं कि बच्चे ऊपर वाले की देन है, औरत को आप तंग करें ऊपर वाले की देन है, अब आप और मैं बैठे हैं यहाँ पर, हमें तो ऊपर वाला देन नहीं दे रहा है, मैं तो चाहती हूँ मेरे 18 बच्चे हो जाए, हाँ लेकिन मुझे तो देन नहीं दे रहा, देन मांगती हूँ मैं खुदा से, चलो या अगर 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 खुदा मुझे देख रहा है तो या खुदा मुझे 18 बच्चे अता फरमा, मैं भी कह रही हूँ आज आपसे मांग रही हूँ मैं, आप भी मेरे प्रे करिएगा, मैं भी देखती हूँ कैसे हो जाते हैं। जब तक कोई आदमी मेरे मेरे मुझसे शादी ना करे या मेरे साथ ताल्लुका जिस्मानी ना बनाए, कैसे मेरे बच्चे हो जाएंगे? मतलब काम ये करे मेरे शौहर और इल्जाम मैं खुदा पे लगा दूं,
खुदा तो दे रहे हैं। ये कई बार ये लोग कहते हैं कि क्या बोलते हैं, किसी को नसीब नहीं होता। अरे भाई कुछ कुछ प्रॉब्लम है, सिगरेट शराब हम पिए और इल्जाम अल्लाह पे लगा दें, गलत काम हम करें। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र की परिभाषा ये है कि एक देश एक कानून हो, सारे लोग एक से रहे। हाँ, आप अपना जो हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि आप अपना कल्चर, अपने कल्चरली हम एक हैं, निकाह आपका आपके हिसाब से होगा, हमारी शादी हमारे हिसाब से होगी, ये चीज है। पर ये तो ना कि हम ये तो कह रहे कि आप हमारी तरह शादी करो, आप हिंदू बन जाओ। नहीं, हिंदू तो आप ऑलरेडी हो, हिंदू मुसलमान हो आपको ना, आप हिंदू ईसाई हो ना, आप हिंदू जब हिंदुस्तान की धरती पे पैदा हुए हो, उसकी उसकी जमीन पे पैदा हुए हो, तो जो हिंदू वर्ड है इट्स नॉट अ क्या बोलते हैं उसको, वैसा नहीं है जैसा समझा जा रहा है उसको। राष्ट्र होता है जो सबको साथ लेके चलता है, ये है। मैम अच्छा, आपको क्या लगता है कि मुसलमानों का इंडिया में क्या फ्यूचर देख रही है, क्या स्कोप देख रही हैं आप आने वाले टाइम में? इनका फ्यूचर ऑलरेडी बहुत ब्राइट है, हिंदुओं से ज्यादा इनके पास पैसा है, स्टेट से इनको मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से इनको मिलता है। ठीक है, ये काम नहीं भी करे, इनकी लड़की को 50,000 शादी का है, हमको खुद का करना पड़ता है। यहाँ एक्चुअली मेजोरिटी नुकसान में है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं अगर मुसलमान होती तो बहुत फायदा होता, जितना फायदा इनको है ना। ऊपर से फिर मतलब तुम मुझे 4 थप्पड़ मारो और मैं घुमा के यूं कर दूं तो ये फोटो खींच लेंगे, कहेंगे देखो देखो प्राची अधिकारी ने हम मजलूमों को मारा है, ये है हाल। अभी तुम कभी एक काम करना, कभी आना हिंदुस्तान में, मेरे वहां 1 महीना रह के देखना, 1 महीना क्या 1 साल रह के देखना, आराम से खाना पीना और देखना, इनकी तकरीरें सुनना। ठीक है, अल्लाह से मैं मान लिया, अगर अल्लाह है भगवान है तो वो ये थोड़ा कह रहा है कोई बुरे काम करके बस हे भगवान थैंक यू मुझे माफ कर दो, ये बोलू तो गुनाह माफ हो जाएंगे, ये किसी चीज को नहीं मानोगे। ये कौन सा है ये, मतलब मैं ये कह रही हूँ इनके फ्यूचर कोई बुरा नहीं है, अपने काम को जाएं, हम अपने काम को जाएं, ये गलत काम ना करें, हम गलत काम ना करें। किसके पास फुर्सत है ये बता दो, अगर तुम्हें अभी कोई फालतू घूमने को कहेगा तुम अपने घर से चले जाओगी? अपनी गाड़ी का पेट्रोल वेस्ट करने, अपना वक्त, अपना मेकअप, अपना लिपस्टिक जाया करने जाओगी बाहर? मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। कोई चले जाए जाए, मैं तो एक एक कदम ना बढ़ाऊं फालतू पैसा खर्च करने के लिए। तो ये बताओ इतना वक्त किसके पास, मैं कैसे देखूं कि सामने वाला सलीम उसके घर में झांक के मेरे को क्या जरूरत है, वो अपने घर में जिए, मैं अपने घर में खुश। हाँ, उसको तकलीफ है, मुझसे मदद मांगे, अगर मेरी हैसियत है मैं जरूर करूंगी मदद, इसमें क्या बुरा है? इनका फ्यूचर कोई बेकार नहीं है, अच्छे डॉक्टर्स मुसलमान हैं, अच्छे नर्स हैं और अच्छे बिजनेसमैन हैं। अगर आप देखते हो, अगर आप बीफ इंडस्ट्री का उठा के देखो, सबसे टॉप मोस्ट किसके पास कितने मिलियन बिलियन कमा रहे हैं, आप देखो जरा, जिसके लिए कितना हल्ला मचाते हैं, जो चीज बैन है उसको भी करते हैं। अगर एक बार बताओ, अगर मैं आपके मुल्क में आई हूँ, मैं अगर रह रही हूँ, कोई चीज आपके वहां गलत मानी जाती है, अगर मैं उसको नहीं करूंगी तो आपका दिल नहीं दुखाऊंगी तो क्या तकलीफ हो जाएगी बताइए? लेकिन जान चीज ऐसी करना जिससे दिल दुखे, और जान मुझ के करना और फिर आपको चिढ़ाना कि ऐसा करते हैं हम। अब अभी आफ्ताब का हुआ, उसके बाद 3-4 लोगों ने और करा है, किसी ने 50 करे हैं, किसी ने 18 करे हैं, और प्यार कर रही हैं तो रिबिका बन रही हैं, फिर श्रद्धा बन रही हैं। हिंदुस्तान में हिंदू लड़कियां ही सेफ नहीं है, तो फिर आप क्या क्या देख रही हैं कि क्या सोसाइटी कहां पर जा रही है? नहीं नहीं, देखिए मोहब्बत करने में कोई गुनाह नहीं है, मैंने कभी ये नहीं कहा कि प्यार करना या मोहब्बत करना गुनाह है, लेकिन झूठा नाम क्यों बताते हैं? अगर आप रबाह हैं, मैं आपसे कितने अच्छे से बात करूं रबाह, अगर आप मुझे खाली कहें मैं सीता हूँ मीना हूँ, मुझे क्या करना? आप अगर सीता मीना बन के मेरे साथ बुरी हैं तो मैं सीता मीता का अचार डालूंगी। मेरे को ये चीज चाहिए कि रबाह मुझसे रबाह बन के बात करें और हमारे बीच में तलखी ना हो। अगर कोई चीज गलत हो तो रबाह कहें हाँ ये चीज गलत है, रबाह अगर एडवोकेट करने आ जाएंगी किसी आफ्ताब को कि नहीं ऐसा नहीं ना, उसने ऐसा करा हो। अब एक लड़की है वो तुमसे प्यार करती है, अब होता है ना कई बार लड़कियां हैं मार खाती हैं चौहर की, कोई लड़की घर नहीं तोड़ना चाहती है, अच्छे से अच्छी लड़की जो है जिसको तुम बोल्ड समझते हो वो भी कभी कभी एक आध थप्पड़ खा लेती है और ये सोच के कि मेरा घर बर्बाद ना। ठीक है, लड़की लड़की होती है तो जो वो मार खा लेती तो उसको जब उसको श्रद्धा ने लेटर लिखा कि मेरे को कहीं जान से खत्म कर देगा,
लेकिन उसके माँ बाप ने समझा दिया कि नहीं अब ऐसा नहीं करेगा, तो लड़की को यकीन था, उसको लगा भरोसा है, वो उसकी सबसे बड़ी गलती निकली, उसने वही करा जो कहा था। तो मोहब्बत जो होती है ना वो ऐसी होती है कि अगर एक तेरा एक झूठ भी मुझे 100 सच से अच्छा लगे, मोहब्बत ऐसी चीज होती है। जब प्यार हो जाता है ना तो ऐसा लगता है कि यार झूठ बोलता है पर यार ठीक है मेरा है, तो झूठ भी ना सच्चा सा लगता है, क्यूट है ना, झूठ बोलता तो क्या हुआ कितना प्यारा है वो झूठ भी। हमें दाढ़ी वाला पसंद नहीं होगा लेकिन उस समय हमें दाढ़ी वाला भी अच्छा लगेगा, दाढ़ी है मुझे पर इसके ऊपर तो क्यूट लगती है। लड़कियां ऐसी होती, औरत का दिल ऐसा नहीं होता है, वो माफ करने वाली होती है, वो कितनी भी सख्त होगी दुनिया को आंखें दिखाएगी, दुनिया को चप्पल से मारने जाएगी, लेकिन उसका शौहर कहेगा कि तुम, उसका अगर शौहर कहेगा तुम ऐसा करो तो वो जूते भी साफ करके उसको देगी चाहे वो कितनी बड़ी हो जाए। प्रतिभा पाटिल थी ना हमारे वहां प्रेसिडेंट थी, वो भी अपने पति को रोटियां बना के खिलाती थी। तो ऐसा नहीं, ये जो जो औरत है जो महिला है वो चाहे यहाँ की हो या पाकिस्तान, तो खैर अलग है ही नहीं ये तो खाली लकीरों में अलग है, चाहे एशिया की कहीं की भी हो चाहे अमेरिका की भी हो, अगर प्यार होगा ना उसे वो कलेजा निकाल के रख देगी, वो जहर देगा ना उसको, वो उसको अमृत या क्या बोलते हैं उसको, वो कुछ वो समझ के कि इसे इमोर्टल हो जाएंगे वो पी लेगी उसे। तो औरत की तो बात मत करो। तो लड़कियां जो होती हैं लड़कियों को झूठ बोल दो, और एक टीन एज लड़कियां हैं या कुछ हैं, अब वो तुमसे 5-6 साल से अफेयर, उसका 23-24 साल की थी उस समय, हो गया उसको प्यार मोहब्बत हो गई। कुछ लड़कियां 16 साल की हैं उनको ऐसा पटा लेते हैं, उम्र गलत बताते हैं, सब कुछ गलत बताते हैं, घर में चार चार रखी हुई, और वो लड़कियां जो घर में हैं वो भी मदद करती हैं, बताओ ये कहाँ से होगा, इससे कौन सी मोहब्बत बढ़ेगी यार बताओ। ये तो ये है कि साथ रह ले रहे हैं रबा, वरना कुछ लोगों ने तो ऐसा कर दिया है कि सोचना पड़ रहा है। और मुझे इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान के मुस्लिम इसलिए सही लगते हैं क्योंकि कम से कम सच बोल देते हैं, ये तो सच बोलने की कुछ कुछ लोग हिम्मत नहीं करते, मैं तुम्हें बता रही हूँ। एकाध को छोड़कर जो कुछ टीवी में आती है, मेरी दोस्तें हैं, अच्छी बातचीत है मेरी अंबर दैदी, अगर मिलोगे तो काफी अच्छी बातचीत करती हैं और सही बोलती सच बोलती हैं। उनको देखो इतना ऑफिस चलाती हैं, वो भी रात बिरात अपने काम के सिलसिले में उनको भी काम करना पड़ता है, इतनी मेहनती हैं, कभी आप उनसे नहीं सुनोगे, क्योंकि जो सच बोलने पे का मादा रखता है ना वो कभी झूठ नहीं बोलता, विक्टिम कार्ड नहीं खेलता, मेरी बिल्कुल गलती है तो मेरी गलती है और तुम्हारी गलती है तो तुम्हारी है, इसलिए फ्यूचर इनका ब्राइट है अगर अपने काम पे अपनी चीजों पे ध्यान दें और वफादार रहें, अपने काम से काम रखें, किसी को किसी से तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर कोई कोई अगर गलत करेगा, प्राची अगर गलत करेगी तो प्राची को पुलिस पकड़ेगी ना, इसमें पुलिस थोड़ा देखती है कि तू मुसलमान है तू हिंदू है, वो थोड़ा देखती है, उसके लिए बराबर है। बट ये है कि अपनी बारी में हम दूसरा पकड़ा जाए तो ठीक है, अगर हमारा पकड़ा गया तो देखो हम पे जुल्म हो रहा है क्योंकि हम मुसलमान हैं, ये तो बताओ ना कितनी प्रॉपर्टी है, तुम इतने गरीब हो तो बताओ इतने करोड़ों की प्रॉपर्टी कैसे है। अब बताइए वो कौन थे वो जो सपा से यानी कि समाजवादी से वो थे, उनको जेल डाल दिया है योगी आदित्यनाथ ने, वो केस हुआ उनपे, बताइए कितना मुसलमानों की जमीन हड़प पे बैठे हैं, मुसलमानों ने ही केस करा उनपे। तो अगर कोई जो रियासत का जो सियासत जो उनका जो रियासत का वजीर है या बड़ा है वो अब उनपे मुकदमा नहीं करवाएगा, अगर आप आती हो मेरे पास और मैं प्राइम मिनिस्टर हूं इंडिया की और आप यहाँ रहती हो और आप मुझसे कहो कि फला फला आदमी ने कर दिया, तो मैं ये कहूँ कि नहीं रबिया तुम छोटी मुसलमान हो बड़ा मुसलमान, ऐसा नहीं होता है ना दबा। जो जो कानून में हक मिलेगा वो तुमको भी बराबर होगा, मुझे भी, पुलिस को इतना हक है, इतने हकूक है, अधिकार है कि वो प्रधानमंत्री यानी कि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी है पीएम मोदी है उनको तक केस चाहे तो केस कर सकती है। तो पुलिस के लिए कानून के लिए सब बराबर है, हालांकि सब अपनी पहुंच का फायदा उठाते हैं, इसलिए कोई फ्यूचर बेकार नहीं है, का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बहुत शुक्रिया मैम हमारे व्यूवर्स के लिए आपने टाइम निकाला, और होप फॉर द बेस्ट, फ्यूचर ऊपर वाला करे कि ब्राइट हो उनका, और जो मेहनत करता है और फल तो उसी को ही मिलता है। और बहुत शुक्रिया है हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला, थैंक यू। देखिए एक चीज की बात है, जाते जाते इतना कहूंगी, आप दुआएं मांगे तो सबके लिए मांगे कि जो जो ये सोचते हैं कि अलहदगी करके अच्छा होगा इसको दूर रखें, और लोगों में इतनी समझदारी आए,
उनकी जहनी सोच इतनी डेवलप हो कि वो सोचे कि वो इतना एक वो मैं चाहूंगी कि आप ये दुआएं करें कि जो लोग इतनी तल्खी पैदा कर रहे हैं वो माशरे में ऐसी जहनियत लाएं या ऐसी सोच लाएं कि लोगों के बीच में प्यार हो, लेकिन वो प्यार दिखावटी ना, वो प्यार ऐसा हो कि वो अपना काम करें, हम अपना काम करें, कोई किसी लड़की को या किसी को झूठ कह के ना बहकाए। अगर वो रकीब है तो रकीब बन के ही आए, उसे प्यार है तो उस मोहब्बत को निभाए, अगर उसे नहीं रहना, तलाक देना है तो चला जाए, लेकिन कोई किसी की जान को ना ले, क्योंकि बेटी हर जगह की बेटी होती है। बस मैं इतना कहूंगी कि आप ये प्रेयर करें कि लड़कों को इतनी अकल आ जाए, और जो उनको भड़काता है कि ऐसा करके सबाब मिलता है, वो इस तरह की हरकतें ना करें। और ऐसी लोग आप ये भी रिक्वेस्ट करें अपने व्यूवर से कि लोग समझें कि ऐसा किसी की जान लेके कभी भी, किसी भी बेगुनाह की जान लेके अच्छा नहीं होता, चाहे वो हिंदू लड़का हो या मुसलमान लड़का हो, कोई भी लड़का हो। मोहब्बत करे तो निभाए और शादी करे, उसे शादी के अंजाम तक ले जाए और जिंदगी भर निभाए, क्योंकि जो असली मर्द होता है वो जिम्मेदारी लेता है, और नहीं जो मर्द होता वो जिम्मेदारी नहीं निभाता। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत अच्छा मैसेज कन्वे किया, थैंक यू सो मच।